दोस्तों, अगर परमाणु हमला हो जाए तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि परमाणु हमले से कैसे बचा जाए। उससे पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें। जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो इसका एक कण 3 कणों को छोड़ता है और इसकी गति में गुणात्मक वृद्धि होती है। अब ऐसे में इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस हमले का असर उस जगह की आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। कई सालों तक तरह तरह की बीमारियां होती है। अगर परमाणु हमला होता है तो हमें बचने का बहुत कम मौका मिलेगा। ऐसे में हमें पहले से ही सुरक्षित स्थानों और तरीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दरअसल परमाणु बम बेहद ही खतरनाक होता है। विस्फोट के बाद जो रेडिएशन निकलता है वो इंसानों के जीवन के लिए हानिकारक होता है, मुश्किल और निर्णायक होते हैं। एजेंसी के अनुसार हमले के 24 घंटे तक लोगों को अपने घरों में ही बंद रहना चाहिए, जिससे उन पर रेडिएशन का खतरा कम और उनकी जान की रक्षा हो सके। एजेंसी ने आगे बताया कि बम विस्फोट के तुरंत बाद घर के अंदर ही मुंह के बल जमीन पर लेट जाए, चेहरे को फेस मास्क से ढक कर रखे, जब तक कहा न जाए अपने घरों से न निकले, घर के निचले हिस्से में खुद को बंद कर ले। यदि घर में अंडरग्राउंड है तो ये सबसे सुरक्षित जगह है। घर के सभी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर ले, जिससे हवा के साथ रेडियोएक्टिव गंदगी अंदर न आने पाए। इन सबसे जरूरी बात ये है कि घबराए नहीं, पैनिक न हो। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद दोस्तों।